देखो आज का इंग्लिश का टॉपिक है यूज ऑफ इट। इट मीन्स क्या होता है या। तो इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। देखो एक इट मीन्स क्या होता है यह, क्या होता है यह। तो इट का प्रयोग देखो हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहली बात तो जहाँ निर्जीव चीजें होंगी वहाँ पर यह के लिए इट का प्रयोग करेंगे। निर्जीव चीजों के लिए यह की जगह पे क्या लिखा जाता है, इट। जैसे हमने कहा यह कुर्सी है, कुर्सी में जान होती है नहीं होती। तो जितनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव चीजें, वहाँ पर हाँ यह के लिए इट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो यह कुर्सी है तब क्या बोलेंगे, इट इज चेयर। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक। अब दूसरी बात क्या हो गई, ये तो हो गई निर्जीव चीजों के लिए। अब दूसरी बात है देखो जहाँ मौसम की बात हो, समय की बात हो, प्राकृतिक घटना की बात हो, तब हम इट का प्रयोग करेंगे। स्टार्टिंग किससे करेंगे, इट से, चाहे वहाँ पर यह लिखा हो या ना लिखा हो। अधिकतर तो नहीं लिखा होता, क्या कहेंगे यह सोमवार है, सोमवार के लिए कहीं यह लगाएंगे नहीं, क्या बोलेंगे आज सोमवार है, कल सोमवार था, कल सोमवार होगा। तो ऐसी दशा में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इट से। सबसे पहले बोले आज सोमवार है के लिए इट इज संडे, सॉरी मंडे टुडे। समझ में आया कि नहीं। जैसे हमने समय की बात करी, 4 बजे है, अब यहाँ समय की बात हो रही कि नहीं, तो कहीं ये लिखा है कि यह 4 बजे नहीं, लेकिन फिर भी हमको इट से बताना पड़ेगा, इट इज 4 o'clock। इतनी चीज समझ में आई गई। फिर जैसे हमने कहा कल रविवार था, फिर हम समय की बात कर रहे हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे, इट, उसके बाद व्हाट, फिर संडे, फिर कल की स्पेलिंग यस्टरडे। था बीता हुआ कल है कि आने वाला कल है, बीता हुआ, ये हो चुका है रविवार, इसीलिए यस्टरडे। इतनी चीज समझ में आएगी। कल छुट्टी होगी, ये अभी हुई नहीं है, ये फ्यूचर में होगी, इसलिए क्या लगाएंगे, इट विल बी। बी मीन्स होगी, गागी के बी मतलब होना, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। अभी आने वाले कल में छुट्टी है, समझ में आया कि नहीं, इसलिए क्या लगेगा टुमारो, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। हो गया, अब कर लोगे कि नहीं। जैसे यह पेन है, इट इज पेन। यह घर है, इट इज हाउस। यह साइकिल है, इट इज साइकिल। जैसे आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे। कल मंगलवार होगा, इट विल बी ट्यूजडे टुमारो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब होगी समझ में आ गया कि नहीं इट का टॉपिक। कल हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। देखो दिस मीन्स भी यह होता है, इट मीन्स भी यह होता है, लेकिन कहाँ हमको दिस लगाना है और कहाँ हमको इट लगाना है, ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, डन करो।